नजर हटी दुर्घटना घटी। यह है करीम, लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा, मॉल के अंदर जाके बोलूंगा वो बात। सो है गाइस, इसमें जुबेल सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुबेल ब्लॉग्स। और आज मैं आया हूँ यहाँ पे सिलचर पे, मैं इसलिए आया हूँ, मेरा एमटीएस का एक एग्जाम था, इसलिए मैं एसएससी जो जहाँ पे एसएससी कंडक्ट कर रहा था जहाँ पे एग्जाम, वहाँ पे एग्जाम देने आया। तो आप लोग बराक वैली के जितने लोग हैं उन लोगों को तो सिलचर में होता है एसएससी का एग्जाम, तो उन लोगों को पता नहीं है वो जगह कहाँ पे। तो देख लीजिए मेरे पीछे ये जगह, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे होता है एसएससी का एग्जाम। और आज आप लोगों को मतलब मैं टाउन की तरफ लेके जाऊंगा और अच्छा अच्छा जगह दिखाऊंगा, घुमाऊंगा और बढ़िया करके। इधर टाउन में मैं कुछ दिन स्टे करूंगा और अच्छा अच्छा ब्लॉग भी आएगा बढ़िया करके। एक दो दिन मैं स्टे करूंगा यहाँ पे टाउन पे, तो ब्लॉग भी बढ़िया बढ़िया आएगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और जितना प्यार हो सके उतना सपोर्ट करिए, उतना लाइक शेयर करिए, वीडियो में बने रहिए आप लोग। गाइज, आप लोगों को पता है आज मैंने चार्ली का पूरा पिकअप देख लिया, पूरा 120 करके आया। एक घंटे में मैं कम से कम 100 किलोमीटर क्रॉस किया, एक घंटे में 120-119 ऐसा करके चला गया है। तो बढ़िया लग गया ना, मतलब चार्ली को तो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है और आज इतना भी प्यारा लग गया, पूरा टाइम पे आके एग्जाम पकड़ा दिया, नहीं तो मेरा एग्जाम छूट जाता। 8:30 बजे को एग्जाम था, मैं घर से निकला ही 7:30 बजे को, मस्त हो गया पूरा। गाइस, बहुत लोगों को ना सिलचर करीम रेस्टोरेंट है, वो एक नया ओपनिंग हुआ है सिलचर करीम रेस्टोरेंट, आप लोगों को बता दूं। और वहाँ पे खाने का लोगों का बहुत मन है, लेकिन एड्रेस को पूरा नहीं पता है, इसीलिए मतलब वहाँ पे जाके टेस्ट नहीं करवाते उसका खाना। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा करीम कहाँ पे, और पीछे देख सकते हैं आप सागौरी का रेसिडेंस। और अभी मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा रेस्टोरेंट कहाँ पे, करीम रेस्टोरेंट, जहाँ का ना मतलब खाना लाजवाब है। और मैं टेस्ट कर चुका हूँ, आप लोग कब टेस्ट करेंगे या आप लोग टेस्ट कर चुके हैं वो कॉमेंट में बता देना। सो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है करीम, ये है करीम, यहाँ पे सिंस 1913 दिखा रहे हैं, और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग जितना अगर बर्थडे पार्टी से कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और बाकी जो जितना सामान है, मतलब एक बार खा के टेस्ट करके देखना आप लोग, यहाँ पे आने का ना मजबूर कर देगा आप लोगों को। और दूसरा बात यहाँ की, यहाँ पे दस्तरखान भी है, तो आप लोग जल्दी आना और यहाँ पे आके ट्राई करना, ठीक है। और भी चलते आगे और आप लोगों को वीडियो दिखाते और कुछ अलग अलग। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ मॉल पे और यहाँ पे मैंने अपना चार्ली को पार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिक्शी होता है, इसीलिए मतलब स्टारिंग लॉक करके पूरा पार्क करना पड़ता है। नज़र हटी दुर्घटना घटी ऐसा टाइप का हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे जब भी आएंगे आप सिलचर मॉल के सामने तो अपने बाइक का स्टारिंग लॉक ज़रूर कीजिएगा, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। तो आप ही चलते मॉल के अंदर और आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, मॉल के अंदर जाके बोलूंगा वो बात। सो गाइस, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ सिलचर मॉल के अंदर, तो आप देख सकते हैं मैं मॉल के अंदर घुस गया और देख सकते हैं कितना फाड़ू मॉल लग रहा है। पहले ये बिग बाज़ार हुआ करता था, अभी ये ट्रेंड्स हो गया रिलायंस ट्रेंड्स। इसका अभी तक फुल्ली कस्टमाइज नहीं हुआ है, बहुत जगह अभी भी बंद है। फ्रेंड्स ने अपना पूरा मतलब शॉप नहीं ओपन कर पाया, अभी जितना था वो पहले वाला जितना शॉप है उतना ही शॉप है, पूरा ओपन नहीं करवाया, इसीलिए मतलब ये देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस, मैं अभी बिग बाज़ार के ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और मैं अभी यहाँ पे आया हूँ कि लोगों का बहुत कहना था, बहुत बार मुझे पूछा कि आपका टैटू कहाँ से रिमूव करवाया या सिलचर पे कहाँ पे टैटू रिमूव करवाते, सबको पता नहीं है, इसीलिए आज मैं आपको लेके आया हूँ। उस शॉप पर जाएंगे जिस शॉप पर मैंने टैटू रिमूव करवाया, और आप लोग भी जाके करवा सकते हैं एकदम कम प्राइस में, वो भी डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। मैं आज आप लोगों को पूरा दिखा के देता हूँ और एक बार। और गाइस, इस दुनिया का सबसे झंझट वाला काम है ना हेलमेट को कैरी करना, हेलमेट को कैरी करना बहुत एक झंझट वाला काम है। और दूसरा बात यह है कि मैं अभी देख सकते हैं आप लोग उसके लेटर पे उठिए, तो गाइस आप लोग ऊपर से देख सकते हैं पूरा ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ पे थिएटर भी है, सब कुछ है। आप लोग आए एंजॉय कीजिए, मजा करिए और घूमिए फिरिए फैमिली के साथ, शॉपिंग करिए और घर चले जाइए। सो डियर फ्रेंड्स, मैं एस्केलेटर पे चढ़ के पूरा टॉप पे जाता हूँ और आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ कि A to Z आप लोगों को दिखाता हूँ मैं।
ऊपर से पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुवाहाटी सिटी सेंटर जैसा हमारा बिग बाज़ार है। और आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना इनकेन वर्ल्ड टैटू, ये टैटू पे मैंने आके अपना रिमूव करवाया था, यहाँ पे आके मैंने अपना रिमूव करवाया था। और आप लोग यहाँ पे आ जाना, बहुत आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ के ना अगर कर नहीं पाए ना तो आप लोगों को कोई ना कोई प्रेफरेंस देगा कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है। सो गाइस, कोई कोई टैटू है ना बहुत इजीली उठ जाते हैं, उसको रिमूव करने में बहुत इजी होता है। और कोई कोई टैटू ऐसा होता है ना इसको उठाने के लिए ना बहुत दिक्कत होता है और बाद में वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग आ जाना, अगर उठा पाएंगे तो बोल देंगे कि रिमूव करके दे सकते हैं, अगर नहीं पाएंगे ना तो ट्राई बेकार ट्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि आप बाहर जाओ, जाके आप रिमूव करके लाओ। ये देख सकते हैं आप, मेरा पीछे जो है वही टैटू सेंटर है, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर से मैं सेकंड फ्लोर पे आया, सेकंड फ्लोर से आपको दिखा के थर्ड फ्लोर एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे देख से इट्स मोमो, ये नया ओपनिंग हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं KFC, और यहाँ के आप लोग देख सकते हैं नया KFC का फिर से री इनोग्रेशन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं पूरा। और यहाँ पे था हंटर हाउस, ये था हंटर हाउस, ये अभी बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए ये बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे मसाज वसाज सब बंद कर दिया है क्योंकि रिलायंस ट्रेंड ने ना अपना नया ला रहा है, वो उसको खुद को ही पता होगा, बाकी सब देख सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को मैंने नया KFC भी दिखा दिया, री इनोग्रेशन हो रहा है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे डोमिनोज यहाँ पे, मतलब ये पूरा मॉल पे ना सबसे फेमस है, पिज्ज़ा खाने का मज़ा ही अलग आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे मेरा पिज्ज़ा हट, ठीक है। और अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैंने थोड़ा सा शॉपिंग करना था वो भी कर लेंगे। और इस वीडियो को ना यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आप लोगों को मतलब जो चाहिए था मैंने टैटू सेंटर के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया ना। और आप लोगों का जो मर्जी है वो करिएगा वीडियो के साथ, कुछ भी करके सब्सक्राइबर और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, मतलब कुछ भी हो कैसे भी हो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।